नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर विद कर्ण में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कीबोर्ड में कुछ शॉर्टकट की हैं। इसके विषय में कंट्रोल ए, कंट्रोल प्लस ए अगर प्रेस करते हैं तो जितने भी टेक्स्ट होते हैं या फिर फोल्डर फाइल हैं वो ऑल सेलेक्ट होंगे। कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल डी फिल डाउन, कंट्रोल एफ फाइंड, कंट्रोल जी गो टू एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, कंट्रोल एच रिप्लेस, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल के इंसर्ट हाइपरलिंक, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल आर फिल राइट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, कंट्रोल वाई रिपीट, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल एन न्यू वर्कशीट। कंट्रोल एन न्यू वर्कशीट यानी नया वर्कशीट लेने के लिए कंट्रोल एन का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं इनपुट डिवाइस में माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। इट इज यूज्ड टू सेंड एनी डाटा टू प्रोसेसिंग। यानी माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम किसी भी डाटा को प्रोसेसिंग तक पहुंचाते हैं। इट इज़ जस्ट लुक लाइक अ रैट। ये देखने में बिल्कुल चूहे की तरह होता है। इसके तीन बटन होते हैं। लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। ठीक है, माउस के बाद हम लोग आएंगे स्कैनर पे। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज used to send same copy of any data to processing। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से भी हम किसी भी डाटा को सेम कॉपी हम प्रोसेसिंग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, स्कैनर पिक है। आज के लिए इतना ही। मेरा नेक्स्ट वीडियो जानने देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कंप्यूटर विद कर्ण। बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।